Hello all, a very warm good morning to all of you. I welcome you to the Business Standard newspaper analysis of 23rd of November, that is of today. My name is Rahul Kopulwar and I am your faculty for general awareness. Some of the important news that we will be studying today are GDP, GNP, purchasing power parity, speech by the Reserve Bank of India's Governor Shaktikanta Das, ChatGPT, Amazon, core investment company, what is meant by D2M technology, which is recently in news, and so on and so forth. So without wasting any further time, let's move on to our first news. The first news is with respect to ChatGPT. First of all, you should know ChatGPT is founded by whom? ChatGPT is founded by a company whose name is OpenAI. Right? OpenAI is a company which is based out of San Francisco, USA. OpenAI has been founded in the year 2014. So why this OpenAI is in news? OpenAI isliye news hai kyunki jo unke CEO hai, unko recently company ke board of directors ne unko fire kiya tha. Company ke board of directors ne aise CEO ko fire kiya hua tha. इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ है. और ये जो सैम अल्टमैन है, ये बहुत बड़ा नाम है. ऐसा बोला जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट के दुनिया में इन्होंने रिवॉल्यूशन लाया है. तो अगर सैम अल्टमैन को कोई कंपनी निकालती है तो वो बहुत बड़ी हमेशा न्यूज बन जाएगी. तो क्या हुआ ना, सैम अल्टमैन को ओपन एआई ने निकाला. माइक्रोसॉफ्ट चाहती थी फिर कि ओपन एआई उसके खुद के कंपनी में आ जाए. ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट बैक कर रही थी सैम अल्टमैन को कि वो खुद के कंपनी में आ जाए. अगर ओपन एआई खुद के कंपनी में भी सैम अल्टमैन को आना देना नहीं चाहती है, तो माइक्रोसॉफ्ट ये भी कोशिश कर रही थी कि सैम अल्टमैन जो है फिर से सीईओ बन जाए ओपन एआई के. ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने सैम अल्टमैन को बहुत अच्छी तरह से बैक किया है. उसी का एक रीजन हमें देखने के लिए मिलता है कि ओपन एआई ने फिर से सैम अल्टमैन को सीईओ के पोजीशन पे बिठा दिया है, फिर से उनको सीईओ बना दिया है कंपनी का. तो इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे सीईओस थे, उनको निकाला गया था उनके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने. जैसे कौन कौन से थे यार लोग, स्टीव जॉब्स, उनको निकाला हुआ था. ठीक है, और कौन, जैक डोर्सबी जो कि सीईओ थे ट्विटर के, उनको भी निकाला हुआ था. तो ये कुछ बड़े बड़े महान हस्ती है, उनको सीईओ पद से कभी ना कभी निकाला था और फिर से उनको रीअपॉइंट किया गया. क्यों? क्योंकि कंपनी को पता चल गया कि यार ये सीईओ के बना कंपनी अच्छा रेवेन्यू, अच्छा प्रॉफिट कमा ही नहीं सकती है, इसीलिए उनको फिर से वापस लाया गया था. तो ये चीज आप याद रखिए, सैम अल्टमैन बहुत ज्यादा न्यूज में है तो इस पे सवाल आ सकता है. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट डीजीसीए. यार डीजीसीए ने ना पेनाल्टी लगा दी है. किस पे पेनाल्टी लगा दी है? एयर इंडिया पे पेनाल्टी लगा दी है. कितने की? 10 लाख की. क्यों एयर इंडिया पे पेनाल्टी लगाई है? यार क्या होता है ना, कभी कभी जो फ्लाइट्स है वो डिले हो जाते हैं. अगर राहुल को मुंबई से दिल्ली जाना है तो वो फ्लाइट डिले हो जाता है कभी कभी ड्यू टू वेदर इश्यूज और ड्यू टू ऑपरेशनल इश्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लाइट. तो क्या होता है ना, किसी किसी लोगों को, फिर राहुल को डिले हो गया, 3-4 घंटे से फ्लाइट डिले हो गया, तो राहुल को कैंसिल करना है फ्लाइट. तो राहुल बोलता है मुझे पूरा का पूरा आप रिफंड दे दो. ठीक है, तो ऐसे सारे कंडीशंस को ना, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को एयर इंडिया ने कंपेंसेट नहीं किया था, तो इसी के वजह से एयर इंडिया पे पेनाल्टी लगाई गई है. कितने की पेनाल्टी लगाई है? 10 लाख की पेनाल्टी लगाई गई है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैसेंजर्स को टाइम पे रिफंड नहीं दिया था, इसीलिए उन पे पेनाल्टी लगाई गई है. ओके, और किस लिए पेनाल्टी लगाई है? यार जो उनका ग्राउंड स्टाफ होता है ना, जो ग्राउंड पे काम करता है, जो उनका ऑपरेशनल स्टाफ होता है, जो ऑपरेशंस देखता है, जो उनका मेंटेनेंस स्टाफ होता है, जो मेंटेनेंस देखता है फ्लाइट्स का, तो यहां पे बोलना था डीजीसीए का कि यार उनके जो ग्राउंड पर्सनल है ना, उनको भी ट्रेनिंग नहीं दी थी. जो भी रेगुलेशंस बनाए हैं ना डीजीसीए ने कि आप ऐसा काम करो या फिर आप ऐसा काम करो कि या फिर ऐसा आप काम करो, तो उनको भी एयर इंडिया ने फॉलो नहीं किया था ग्राउंड स्टाफ को ट्रेन करने के लिए.
तो उसी के चलते भी ये 10 लाख की पेनल्टी दी गई है। तो दो रीजन है, कौन कौन से? फॉर द फेलियर टू कंपेंसेट पैसेंजर्स एज वेल एज फॉर नॉट ट्रेनिंग द ग्राउंड पर्सनल इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस बाय द DGCA। आई होप इट इज क्लियर। एयर इंडिया को कौन ओन करता है अभी? बताओ बताओ। एयर इंडिया इज ओन्ड बाय टाटा सन्स। ठीक है, एयर इंडिया इज ओन्ड बाय टाटा सन्स। टाटा ग्रुप की और एक कौन सी फेमस एयरलाइन है यार? टाटा ग्रुप की और एक फेमस एयरलाइन है जिसका नाम है विस्तारा। जिसका नाम है विस्तारा। चलिए, एक अभी बंगाल में, दैट इज वेस्ट बंगाल में कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, उसको हम क्या कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं? बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। ठीक है, बिजनेस समिट तो बिजनेस की बात की हुई है। ठीक है, कौन से एडिशन का था ये? 7th एडिशन का ये बिजनेस समिट था। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या हुआ है कि बंगाल में ये समिट के वजह से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए हैं। कहाँ से इन्वेस्टमेंट आए हैं? सब जगह से आए हैं। इंडिया ने भी इन्वेस्टमेंट करना चाहा बंगाल में, और साथ साथ में बाहर के कंट्रीज के कंपनी ने भी इन्वेस्टमेंट करना चाहा बंगाल में। ठीक है, कौन कौन? इंडिया के कंपनीज, रिलायंस जी बोल रहे हैं कि हम बंगाल में हमारा प्लांट बिठाएंगे, मुकेश अंबानी जी बोल रहे हैं कि हम हमारा प्लांट बंगाल में बिठाएंगे। सो इंडियन कंपनीज भी आ रहे हैं बंगाल में पार्टिसिपेट करने के लिए, और बाहर के कंट्रीज भी आ रहे हैं। तो ये बाहर के कंपनीज और इंडियन कंपनीज ने क्या बोला, हम कितने का इन्वेस्टमेंट करेंगे? हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 3.76 ट्रिलियन रुपीस का। चलो, तो कितने कंट्रीज ने ये समिट में, ये कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? 40 कंट्रीज के कंपनीज ने ये समिट में पार्टिसिपेट किया था। ये समिट में कितने MOUs और लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुए हैं? दैट इज 188 साइन हुए हैं। लेटर ऑफ इंटेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस क्या होता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए लेक्चर के बाद। ठीक है, आप आपका आज होमवर्क करिए, ये एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, मैं कल आपको बता दूंगा, बट आपका होमवर्क मुझे जानना बेहद जरूरी है। चलिए, अमेज़न यार, अमेज़न दुनिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है जो इंडिया के वाटरवेज यूज करके शिपमेंट्स अपने बाहर भेजने वाली है, अपने गुड्स को बाहर ट्रांसपोर्ट करने वाली है, राइट? जैसे यार राहुल है पुणे में बैठा हुआ, ठीक है, मान के चलो राहुल की कंपनी है पुणे में जो बॉर्बॉन बिस्किट बना रही है। ठीक है, तो XYZ एक कंपनी है जो यूएसए में बैठी हुई है, उसने राहुल को ऑर्डर दे दिया विद दी प्लेटफॉर्म नोन एज अमेजॉन। अमेजॉन से ऑर्डर दे दिया कि आप 100 kg ऑफ बॉर्बॉन बिस्किट आप यूएसए में हमें दे दो। ठीक है, तो अमेजॉन क्या करेगी? डिलीवरी का काम किसका होता है? अमेजॉन का होता है। तो अमेजॉन अभी क्या कर सकती है? अमेजॉन राहुल के फैक्ट्री से गुड्स उठाएगी, दैट इज बॉर्बॉन बिस्किट उठाएगी 100 kg का, और वो ट्रांसपोर्ट कर देगी। कौन से मीडियम से ट्रांसपोर्ट कर सकती है? वॉटरवेज से, पानी से, पानी के मदद से, पानी के शिप्स के मदद से अभी अमेजॉन राहुल के फैक्ट्री से गुड्स यूएसए भेज सकती है। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज मतलब ऐसे शिप्स जो पानी में चलते हैं। ठीक है, वो शिप्स के मदद से हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे दूसरे दूसरे जगह पे। तो अमेजॉन ऐसी पहली कंपनी बन गई है, याद रखिए। ठीक है, अमेजॉन कौन? अमेजॉन, अमेजॉन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, अमेजॉन की जो एंटिटी है इंडिया में हम उसकी बात कर रहे हैं। सो द कंपनी बिकेम द फर्स्ट ई कॉमर्स प्लेयर इन इंडिया टू यूज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, याद रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। FY23 में हमने वाटरवेज के थ्रू कितने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया है? 126 मिलियन टन्स ऑफ गुड्स को हमने ट्रांसपोर्ट किया है। यार अमेजॉन ने नहीं किया, बट बाकी लोग तो कर सकते ना डायरेक्टली। ठीक है, जैसे क्या यार? राहुल के फैक्ट्री में माल है, राहुल के फैक्ट्री में माल है, तो राहुल ने बोला चल ठीक है, हम ना आपको
वीआरएल लॉजिस्टिक्स के थ्रू या ओम लॉजिस्टिक्स के थ्रू हम आपको माल पहुंचाएंगे, हम आपको गुड्स पहुंचाएंगे यूएसए में, ठीक है। तो हमने इसके पहले भी लॉजिस्टिक्स कंपनी के थ्रू ये गुड्स को भेजा है यूएसए विद द हेल्प ऑफ वाटरवेज, ठीक है। तो इसलिए हमने 126 मिलियन टन ऑफ गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया था इन द ईयर FY22-23। अभी क्या बात हुई है, ई कॉमर्स प्लेयर के बारे में बात हुई है जो अमेजोन ने पार्टनरशिप की है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। आई होप क्लिस्टर क्लियर। चलो डायरेक्ट टू मोबाइल, यार ये टेक्नोलॉजी हम इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं, इसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। इसमें क्या बोला है कि जो स्मार्टफोन यूजर्स रहेंगे ना, हम जैसे और आप जैसे लोग, वो लोग बिना इंटरनेट कनेक्शन के लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। जैसे आप अभी जियो सिनेमा पे जाते होंगे, जियो सिनेमा पे जाके आप सीआईडी देखते होंगे, या फिर जियो सिनेमा पे जाके आप कोई मूवी देखते होंगे, ठीक है, या फिर आपने सोनी लाइव ऐप डाउनलोड किया है, वहां पे जाके आप कोई सीरीज देखते होंगे, ठीक है। ये ऐसी चीजें आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के यूज कर सकते हो। कौन से टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हो? डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी में। अभी आपको क्या हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन का यूज करना पड़ रहा है अगर ये सारे कंटेंट आपको देखने हैं तो। आई होप क्रिस्टल क्लियर है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, डी टू एम क्या होता है। अभी यार हमें क्या यूज करना पड़ता है, टीवी सिग्नल्स यूज करते हैं हम, उसके मदद से हम लाइव टीवी देख सकते हैं। चलो तो ये टीवी का फुल फॉर्म क्या है यार, टेरेस्ट्रियल टेलीविजन, सॉरी सो टीवी सिग्नल्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीविजन सिग्नल्स होते हैं। तो ये सिग्नल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लाइव टीवी स्ट्रीम कर सकते हैं अभी। बट डी टू एम आने की वजह से क्या हो जाएगा, हम बिना इंटरनेट के लाइव टीवी देख सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए आपके जनरल दुनिया के लिए, जनरल लाइफ के लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। उनको वाइस चेयरपर्सन बना दिया है। कहाँ का वाइस चेयरपर्सन बना है, यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स का। कहाँ का, यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स का फॉर नेक्स्ट ईयर। ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली 7 से 8 महीने पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी को WHO का ऑडिटर बनाया था, WHO का एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया था। वो पहले से ही ILO के भी एक्सटर्नल ऑडिटर थे। तो अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि और उनको कौन से पैनल में बिठाया गया है, उनको बिठाया गया है यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स में। वहां के वो क्या बन गए हैं, वाइस चेयर बन गए हैं। आप एक बार रिवाइज कर लेना कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का क्या काम होता है। ये जो चीज है मैंने आपको पढ़ाई है 3 से 4 दिन पहले, ठीक है, तो कुछ मतलब नहीं बनता है, वही चीज बार बार हम एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू गाइस। तो ये चीज अगर फिर से रिपीट होती है 15 दिन के बाद तो फिर से मैं इसको कवर कर लूंगा, ठीक है। तो जो भी चीजें 15 15 दिन बाद रिपीट हो रही है मैं उसको कवर कर लूंगा। तो तब तक जो भी नहीं हो रही है तब तक वो आपको कवर करनी है, ठीक है। मैं रिपीट नहीं करूंगा, 2 या 3 दिन बाद वही कंसेप्ट रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। चलो सो आप एक बार वो देख लेना। तो इसीलिए आपको रोज वीडियोस देखना अनिवार्य है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहे। यस, सेकेंड इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव, ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है। कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है कि हम ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को देख रहे हैं कुछ कंट्रीज के साथ। कौन से कंट्रीज यार, यूरोपियन यूनियन में जो भी कंट्रीज आते हैं और EFTA ग्रुप के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को देख रहे हैं, ठीक है। अभी EFTA कंट्रीज कौन से है यार, आइसलैंड, लिश्टेनस्टेन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ये एफ्टा स्टेट्स है, दैट इज EFTA स्टेट्स है। नॉर्डिक रीजन्स में कौन से कंट्रीज आते हैं, नॉर्डिक रीजन इंक्लूड डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, फरो आइलैंड एंड ग्रीनलैंड। बाल्टिक स्टेट्स में एस्तोनिया, लातविया एंड लिथुवेनिया, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बोला ये कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया देख रहा है कि ये सारे कंट्रीज के साथ
कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, हमने पढ़ाया था आपको कितने 4 से 5 दिन पहले, बट मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो यार इंडिया से कुछ गुड्स जा रहे हैं बाहर के कंट्रीज में, फॉर एन एग्जाम्पल ब्रिटानिया अपना बॉर्बॉन बिस्किट भेज रहा है बाहर के कंट्री में, जिसकी वैल्यू है 100 रुपीज, ठीक है। तो अगर बाहर के कंट्रीज में 100 रुपीज का माल भेजा जा रहा है, तो बाहर के कंट्रीज ना हम पे टैक्सेस भी लगाते हैं जब हम इंपोर्ट करते हैं चीजें या फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे टैक्सेस को हम टैरिफ्स बोलते हैं, इंपोर्ट वाले टैक्सेस को और एक्सपोर्ट वाले टैक्सेस को हम टैरिफ्स बोलते हैं। तो हम पे टैरिफ लगाया जाता है, ठीक है। सो टैरिफ कुड बी 1%, टैरिफ कुड बी 2%, और टैरिफ कुड बी 100%, ठीक है। और इट कुड बी एनी वेयर बिटवीन 1% एंड टू 200%, 300%। इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज टू कंट्रीज। सो 100 रुपीज का तो गुड्स था हमारा, उस पर अगर 1% का टैरिफ लग गया तो हमारे गुड्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी टैक्स लगने के बाद? 101 रुपीज। अगर 50% का टैरिफ लग रहा है तो हमारे गुड्स की, दैट इज बॉर्बॉन बिस्किट की, प्राइस कितनी हो जाएगी? 150 रुपीज। तो 101 रुपीज है और 150 रुपीज है। तो बाहर के लोग कौन से प्राइस वाले गुड खरीदने को पसंद करेंगे? ऑब्वियसली जो चीज सस्ती है, दैट इज 101 रुपीज वाली। क्यों? क्योंकि यार हमारे इंडियन गुड्स बाहर के मार्केट्स में इसीलिए अट्रैक्टिव है क्योंकि हमारे गुड्स सस्ते हैं। अगर वो महंगे हो जाएंगे तो बाहर के कंट्रीज हमारे गुड्स नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अगर वो गुड्स नहीं खरीदेंगे तो रिलायंस अच्छा खासा अपना बिजनेस बना सकता है क्या बाहर की कंट्री में? नहीं बना सकता है। तो रिलायंस को रेवेन्यू बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। अगर रिलायंस के पास बाहर के कंट्री से रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है या फिर कम आ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या इंपैक्ट होगा? इंडिया में फॉरेन करेंसीज कम आएंगे। इंडिया में अगर फॉरेन करेंसीज कम आ रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी जो फॉरेक्स रिजर्व्स रहेगा वो भी तो कम कम होते रहेगा, वो भी तो कम ही रहेगा। तो इसीलिए हमें अगर फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ाना है तो एफटीए साइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट बाहर के कंट्रीज में हो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, जो ये जो हाई टैरिफ्स लगाया जाता है ना, 50% अभी लगाया जा रहा है, इसको हम रिड्यूस करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, ठीक है। रिड्यूस करके 1% लेके आएंगे, 0% भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम टैरिफ्स, या फिर उसको 0% पे लेके आते हैं। ऑब्वियसली अगर 0% पे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे इंडियन गुड्स बाहर के कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे मतलब बिजनेस, रिलायंस अपना बिजनेस एक्सपोर्ट के थ्रू काफी अच्छा बना सकता है। उसने इतने सारे गुड्स एक्सपोर्ट किए तो इंडिया में बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसीज आएगा। इंडिया में अगर बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसीज आया तो उससे फायदा क्या हो रहा है, आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसीलिए साइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना है और जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करने की बात कर रहे हैं ये सारे कंट्रीज के साथ। तो ये नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव ये किस किस ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दैट इज सीआईआई। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, ये कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ था? ये कॉन्क्लेव हुआ था हमारा न्यू दिल्ली में, ठीक है। अभी इंडिया जो है, इंडिया का टोटल ट्रेड क्या है? टोटल ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद दिस नॉर्डिक स्टेट्स, विद दिस नॉर्डिक बाल्टिक स्टेट्स। कितना हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं यार ये स्टेट्स के साथ? 7.3 बिलियन US डॉलर हमने किया था। कब किया था? 2022-23 में। और ये जो नॉर्डिक बाल्टिक ग्रुप है ना, दे कलेक्टिवली रिप्रेजेंट $2 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड अ पॉपुलेशन ऑफ 33 मिलियन, ठीक है। अभी ये नॉर्डिक बाल्टिक ग्रुप का इकोनॉमी कितना है यार, इनका जीडीपी क्या है? $2 ट्रिलियन साथ में मिलके, ठीक है। और पॉपुलेशन क्या है? 33 मिलियन साथ में मिलके। चलो नाउ वी मूव ऑन टू एनपीएस एंड ओपीएस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एनपीएस और ओपीएस। यार आरबीआई बोलता, अभी कुछ स्टेट्स ना
ओपीएस पे जाना चाहते हैं। क्यों ओपीएस पे जाना चाहते हैं यार? पॉलिटिकल वैंडेटा है, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडा है, वोट्स जितना चाहते हैं स्टेट्स के पॉलिटिकल पार्टीज, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हम हमारे स्टेट में ओपीएस लाना चाहेंगे। ओपीएस मतलब क्या है यार? ओपीएस का बेनिफिट क्या है? पहली बात, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो ओपीएस में आपको आपके पेंशन के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता है। एज एम्प्लॉय अगर आप ओपीएस के अंदर एलिजिबल हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। तो कोई भी पैसा नहीं मिलके आपको पेंशन मिलेगा क्या? ऑब्वियसली पेंशन मिलता है आपको। कितने रुपीस का पेंशन मिलता है? 50% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन सैलरी एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। सपोज राहुल रिटायर हो रहा है एट द एज ऑफ 58 ईयर्स, राहुल की सैलरी है 5 लाख रुपीज, तो राहुल का 5 लाख रुपीज पर मंथ, तो राहुल को अगर वो ओपीएस के अंदर कवर था तो उसको कितने का पेंशन मिलेगा हर महीने? 2,50,000 का उसको पेंशन मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। राहुल की अगर सैलरी थी 50,000 एट द एज ऑफ 58 जब वो रिटायर हुआ, तब उसको कितना पेंशन मिलेगा? 50% ऑफ 50,000 जो कि 25,000 होगा पर मंथ, उनको ये पेंशन मिलेगा। तो कितना अच्छा है यार, आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ रहा है बट आपको पेंशन मिलने वाला है। कितना पेंशन मिलने वाला है वो भी पहले से ही पता है आपको, कितना मिलने वाला है, जो भी आपकी सैलरी रहेगी ना उसका 50% आपको मिलने वाला है। कितना अच्छा है। बट आरबीआई बोलती है यार ये ओपीएस है ना, इस पे आप लोग मत जाओ। आरबीआई वॉर्न करती है, आरबीआई कॉशन करती है स्टेट्स को कि यार आप लोगों के लिए ना ये जो ओपीएस है वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, ओपीएस में राहुल को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है फिर भी उसको पेंशन मिल रहा है। तो पेंशन कौन दे रहा है यार राहुल को? गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है? किसके जेब से दे रही है? खुद के जेब से दे रही है। जब खुद के जेब से देगी तो ऑब्वियसली उनका खर्चा बढ़ रहा है। किस पे खर्चा बढ़ रहा है यार? पेंशन पे खर्चा बढ़ रहा है। अगर उनका पेंशन पे ही खर्चा अगर इतना बढ़ते रहेगा तो बाकी सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट कैसे होगा? हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, हमें हमारे मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव करनी है, हमें इंडिया में से पॉवर्टी को भगाना है, ये कैसे होगा अगर पूरा से ज्यादा पैसा अगर ओपीएस में ही चले जाएगा तो स्टेट्स का? ठीक है, तो इसलिए आरबीआई बोलता है नहीं नहीं ओपीएस गलत चीज है, आप उस पर फिर से वापस मत जाना। ठीक है, सो पेंशन बर्डन अंडर ओपीएस विल बी इंक्रीज बाय 4.5 टाइम्स व्हेन कंपेयर्ड टू एनपीएस। ठीक है, अभी एनपीएस में ना गवर्नमेंट को मान के चलो 1 रुपए का पेंशन देना पड़ रहा है, तो अगर ओपीएस लागू हो जाएगी तो गवर्नमेंट को कितने रुपीज का पेंशन देना पड़ेगा? 5.5 रुपीज का, इंक्रीज बाय 4.5 टाइम्स ना, मतलब 5.5 रुपीज का पेंशन देना पड़ेगा अंडर ओपीएस। ठीक है, दैट इज 5.5 गुना एक्स्ट्रा, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर हम लार्ज स्केल पे हम बात कर रहे हैं तो। 200 करोड़ का 5.5 गुना सोचो कितना हो जाएगा, मोर देन 1,000 करोड़। तो इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा व्हेन दे ऑफ फॉर ओपीएस, जो कि इंडिया के लिए बहुत गलत चीज है, आरबीआई ऐसा बोल रहा है। सो बर्डन अंडर ओपीएस विल राइज टू 0.9% ऑफ द जीडीपी बाय 2060। ये जो डेटा है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो जीडीपी हमारा अभी जीडीपी कितना है यार? 3.7 ट्रिलियन US डॉलर। कब? 2023 में। ठीक है, सो सोचो अगर 3.7 ट्रिलियन US डॉलर का ही में ही अगर ओपीएस का ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा 0.9%, तो वो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, जो कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए ऐसा आरबीआई बोल रहा है। ठीक है, सो ओपीएस, ओपीएस में आपको क्या पता चला यार? आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलने वाला है, आपको पहले से ही पता है कि कितना पैसा आपको मिलने वाला है एट द रिटायरमेंट। ठीक है, सो हम इसको किस तरह की स्कीम बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे इट्स अ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कितना पैसा एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलने वाला है, एट द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट मिलने वाला है आपको। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। चलो एनपीएस। ठीक है, एनपीएस में
किसी को नहीं पता होता है। एज एम्प्लॉय हमें पता ही नहीं होता है कि हमें रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन मिलेगा। क्यों नहीं पता होता है सर? क्योंकि ये जो पैसा है, पहली बात तो पैसा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें? दोनों लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राहुल एज एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर राहुल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना पैसा एनपीएस में। तो ये कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट करके क्या कर रहे हैं ये लोग? ये कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट करके ये लोग एक पेंशन फंड में अपना पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, पेंशन फंड एक फंड है जो हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो एक पेंशन फंड में ये पैसा डाल रहे हैं। चलो, तो ये जो पेंशन फंड है वो आगे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगा। आगे कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर देगा यार? शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, कॉर्पोरेट पेपर्स में इन्वेस्ट कर सकता है और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। मान के चलिए अगर राहुल का पूरा पैसा एनपीएस के अंदर, जो भी राहुल का कॉर्पस है, राहुल का कॉर्पस है मान के चलो 100 रुपीज, जो गवर्नमेंट ने दिया है 50 रुपीज और राहुल ने दिया है 50 रुपीज। तो ये जो पैसा है हमने एक पेंशन फंड में डाल दिया, एसबीआई के पेंशन फंड में डाल दिया। एसबीआई का जो पेंशन फंड है, राहुल का पूरा पैसा, राहुल और गवर्नमेंट का जो भी पूरा का पूरा पैसा है 100 रुपीज, वो इन्वेस्ट कर रहा है इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में। ठीक है, राहुल मान के चलो रिटायर हो रहा है इन द ईयर 2080 में। अगर यार इंडिया में COVID-19 जैसी सिचुएशन आ गई तो उस केस में क्या हो जाएगा? हमारा शेयर मार्केट गिर जाएगा, जो हमें अभी हमने देखा था जब COVID-19 आया था। क्या हो जाएगा? शेयर मार्केट गिर जाएगा। तो शेयर मार्केट गिर गया तो पेंशन फंड में जो राहुल का पैसा डला हुआ था और गवर्नमेंट का पैसा डला हुआ था, वो पूरा का पूरा वो भी तो गिर जाएगा ना। 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था बट वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो गिर जाएगी। कितना हो जाएगा यार इन्वेस्टमेंट पे? 100 रुपीज इन्वेस्ट किया था, 50 रुपीज की वैल्यू हो सकती है अगर शेयर मार्केट पूरा का पूरा गिर गया तो, या फिर वो वैल्यू 0 रुपीज भी हो सकती है, हमें नहीं पता कितनी होगी। ठीक है, तो अगर 2080 में अगर ऐसी प्रॉब्लम आई तो राहुल का जो पैसा है वो लॉस में भी जा सकता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम। यहाँ पे ये चीज पता होती है कि आपको कितना रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, पर आपको कितना पैसा मिलेगा ऑन योर इन्वेस्टमेंट इसकी कोई गारंटी नहीं देता है। ठीक है, तो यार 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, वो 2080 में 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट गिर गया, राहुल को मे बी 50 रुपीज का पेंशन दिया जा सकता है। मार्केट अगर इंप्रूव हो गया, राहुल को 150 रुपीज का भी पेंशन दिया जा सकता है। सो इट कुड बी कुछ, इट कुड बी एनीथिंग, इट इन्वेस्टमेंट कुड राइज और इन्वेस्टमेंट कुड डिक्रीज ऑल्सो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है एनपीएस के अंदर। सो यहाँ पे कौन लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। डियरनेस अलाउंस किस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे दिया जाता है? कल ही हमने बात की ना, ये डियरनेस अलाउंस सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मद्देनजर में रखते हुए दिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट कितना इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है? गवर्नमेंट ज्यादा करता है। कितना करता है? 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। चलो, पेंशनर्स को क्या दिया जाता है? डीए नहीं दिया जाता है, पेंशनर्स को दिया जाता है डियरनेस रिलीफ। ठीक है, पेंशनर्स को क्या दिया जाता है? डियरनेस रिलीफ। चलो, एम्प्लॉयज को क्या दिया जाता है? जो एम्प्लॉयज अभी काम कर रहे हैं उनको क्या दिया जाता है? डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। चलो, तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं, आप कैसे याद रख सकते हो। ओपीएस आपको पता है कि यार इतना ही पैसा आपको वापस आने वाला है, इतना ही पैसा आपको पेंशन में मिलने वाला है, पहले से पता है। सो दैट इज नोन एज डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। मेरे बेनिफिट्स डिफाइन है। एनपीएस में मेरे बेनिफिट्स डिफाइन नहीं है, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन डिफाइन है। मैं कॉन्ट्रीब्यूशन 10% करूंगा और गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी 14%, ये फिक्स्ड है। ठीक है, सो एनपीएस को हम इसलिए डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है ताकि आप एक बार इसको समझ जाओ और बार बार पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पढ़नी चाहिए। एनपीएस क्या है, वो स्कीम क्या है, हम उसको डिटेल में कभी और लेक्चर में पढ़ लेंगे।
चलो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक एप्लीकेशन सेंड किया है. किसको सेंड किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. किस बारे में सेंड किया है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ना, वो अपने कंपनी को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं. कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी ओनली, इज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी ओनली. सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी ओनली. एनबीएफसीज आर रजिस्टर्ड अंडर विच सेक्शन? इट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 1956. ठीक है. एनबीएफसीज कैन डू एन नंबर ऑफ बिजनेस. लाइक एनबीएफसीज बैंक की तरह भी काम कर सकती है, लाइक दैट इज बैंक लाइक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर सकती है, इंश्योरेंस बिजनेस भी कर सकती है, चीट फंड्स का बिजनेस कर सकती है, मर्चेंट बैंकिंग का फंक्शन कर सकती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का फंक्शन कर सकती है. बहुत सारी चीजें आपकी एनबीएफसी कर सकती है. सो राइट नाउ अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास किस तरह का एक्टिविटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी बैंक लाइक एक्टिविटीज को प्रोवाइड किया जाता है इनके द्वारा. ठीक है. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज एन एनबीएफसी. सो अगर बैंक लाइक एक्टिविटी अगर उनको परफॉर्म करना है तो किसके पास उनको अप्लीकेशन करना पड़ेगा, किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. अब ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये एनबीएफसी को कौन से सेक्शन के अंदर लाइसेंस देता है यार? कौन से सेक्शन के अंदर एनबीएफसी को डिफाइन किया हुआ है? अंडर सेक्शन 45 I सबसेक्शन ए ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. 45 I सबसेक्शन ए ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंदर एनबीएफसी को डिफाइन किया गया है. चल अब ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को ना अपनी कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में कन्वर्ट करनी है. कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब क्या यार? ऐसी कंपनी जो अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहती है, उनको हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं. ठीक है. अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ना कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना चाहती है. उसका पैरेंट ग्रुप क्या है? रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. तो अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का लाइसेंस दिया जाता है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा? अपना 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ना, अपना 90% ऑफ द पैसा ना उनको रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं, याद रखिए. ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है 90% ऑफ द टोटल एसेट्स टू बी इन्वेस्टेड इन द ग्रुप कंपनीज ओनली. अगर ये चीज वो कर रहे हैं तो ही जाके उनको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का लाइसेंस दिया जाता है. 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रुप कंपनीज टू बी इन इक्विटी शेयर्स. ओके. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है मान के चलो. उन्होंने उनके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज में से 90 रुपीज का तो इन्वेस्टमेंट उनको करना पड़ेगा रिलायंस में, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में. वो 90% का किया मतलब 90 रुपीज हो गए. वो 90 रुपीज में से ना उनके पास, दैट इज 90 रुपीज ऑफ 60% कितना हो गया? 54 रुपीज. 54 रुपीज के उनके पास रिलायंस के इक्विटी शेयर्स होने ही होने चाहिए. ठीक है. अभी बचता कितना है? 54 माइनस 90, 30, अप्रोक्सीमेट दैट इज 36 रुपीज. ये 36 रुपीज का इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली जियो ने पैसा डाला है रिलायंस ग्रुप में, तो ये 36 रुपीज के अगेंस्ट में भी तो रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को जियो को कुछ देना पड़ेगा ना. तो रिलायंस ग्रुप है, जियो को कुछ भी चीज दूसरी दे सकती है फॉर देयर इन्वेस्टमेंट. क्या दे सकती है? कुछ भी चीज है यार. वो उनको घर दे देगी, वो उनको गाड़ी दे देगी, उनको जो चाहिए वो दे देगी, उनको प्रेफरेंस शेयर्स दे देगी, उनको कन्वर्टिबल बॉन्ड दे देगी. ठीक है. उनको एक डेट इंस्ट्रूमेंट दे देगी. मैं सिंपल चीजों में आपको ये बताना चाह रहा हूं. ठीक है. सो 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, उनको अपना 90 रुपीज रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में डालना पड़ेगा बिकॉज ऑफ 90%. 90 रुपीज में से 60%, दैट इज 54 रुपीज का उनके पास इक्विटी शेयर्स होने ही होने चाहिए. बाकी का बचा खुचा पैसा रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उनको प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकती है, या फिर उसको कन्वर्टिबल बॉन्ड भी दे सकती है रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को. प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये फाइनेंस में आ जाएगा. और अगर मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अभी बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा.
सो नेक्स्ट टाइम या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम हम प्रेफरेंशियल शेयर्स और कन्वर्टिबल बॉन्ड को समझ लेंगे। बहुत इजी टॉपिक है बट मैं उसको नेक्स्ट टाइम आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। अभी ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना है तो उसका एसेट्स कितने होने चाहिए? उनके पास एसेट्स होने चाहिए ऑफ 100 करोड़ रुपीज। कितने होने चाहिए उनके पास एसेट्स? 100 करोड़ रुपीज के। नेक्स्ट न्यूज, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। बहुत डिटेल में मैंने बताया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ भी लो और आप इसको आराम से याद भी कर लो। अगर आपको कुछ चीजें अच्छे से समझती है तो उसको याद करना भी बहुत इजी हो जाता है। यस, एक इजी चीज है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या है यार? रेगुलेटरी बॉडी है। किस चीज की? एडवर्टाइजमेंट्स की, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग कंपनीज की रेगुलेटरी बॉडी है। इन्होंने बताया है जो आपका हेल्थ केयर सेक्टर है ना, वो कुछ भी फॉल्स क्लेम्स करता है उनके एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। ये उनको ऐसा पता चला है, ठीक है। बताता है यार हेल्थ केयर इंडस्ट्री कि आप ये अगर तेल लगा रहे हो, ठीक है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का कौन सा तेल है यार, मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ, पब्लिक वीडियो ये है। क्योंकि सपोज एक्स वाई जेड एक हेल्थ केयर कंपनी है, वो बोलती है कि आप 3 महीना आप हमारा तेल लगाओ और 3 महीने अगर आप तेल लगाओगे तो आपके बाल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया बोलती है कि आप ऐसे फेक क्लेम्स ना करो, ठीक है, आप ऐसे फेक क्लेम्स नहीं कर सकते हो। तो हेल्थ केयर सेगमेंट में अपने एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा फेक क्लेम्स किए हुए है, ऐसा उनका बताना है। सो हेल्थ केयर कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ ऑल द कंटेंट्स एग्जामिन्ड बाय दिस काउंसिल। ये उन्होंने अपने हाफ ईयरली कंप्लेंट रिपोर्ट में बताया है। एंड हेल्थ केयर इज फॉलोड बाय क्लासिकल एजुकेशन एंड देन इट इज फॉलोड बाय पर्सनल केयर। सो दिस यू शुड रिमेम्बर। नेक्स्ट, CDSL और NSDL, इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले या कल ही मैंने इसका MCQs डाला था। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि यार 2 ही डिपॉजिटरीज है हमारे। कौन कौन से? CDSL और NSDL। डिपॉजिटरीज का काम क्या होता है, हमने बात किया 4-5 दिन पहले, बताने की जरूरत नहीं है। डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, हमने बात किया है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। चलो, सो CDSL का न्यूज आया है कि सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट्स कौन से डिपॉजिटरी के पास है, वो है आपके CDSL के पास। तो उनके जो डीमैट अकाउंट्स है कितने क्रॉस हुए है यार उनके पास के, दैट क्रॉस्ड अराउंड 100 मिलियन डीमैट अकाउंट्स। बट NSDL के कितने है? बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। वो चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सो CDSL याद रखो और NSDL याद रखो, 2 ही डिपॉजिटरीज है। उन 2 डिपॉजिटरीज में से सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट्स किसके पास है? CDSL के पास है। अब ये जो डिपॉजिटरी है कौन से स्टॉक एक्सचेंज की, पता होना चाहिए। NSE की डिपॉजिटरी कौन सी यार, नाम से ही पता चल रहा है, N से ही नाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इज द डिपॉजिटरी ऑफ NSE। BSE की क्या है? दूसरी वाली कौन सी? दैट इज CDSL। यस, देयर इज अ स्पीच बाय द गवर्नर शक्तिकांता दास, ठीक है। ये स्पीच का नाम क्या था यार? विनिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। स्पीच कहां पे दी हुई थी? मुंबई में दी थी। किसने ऑर्गेनाइज किया था ये स्पीच को? ये स्पीच को ऑर्गेनाइज किया था फिक्की और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने। चल, यहां पे क्या बताया है कि जो रियल GDP है ना, वो हमारा रहेगा 6.5% रहेगा। कब कब? ये फाइनेंशियल ईयर में और उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में। इंडिया जो है ना, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। पहली कौन सी है? USA नहीं है, याद रखना। USA नहीं है परचेसिंग पावर पैरिटी में सबसे बड़ी इकोनॉमी, दैट इज चाइना। चाइना जो है परचेसिंग पावर पैरिटी में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, देन कम्स द USA, देन कम्स द इंडिया। ये जो डेटा है IMF ने पब्लिश किया हुआ है, तो ये जो भी डेटा है ये सही डेटा है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अभी परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है, एक बार नीचे वाली लाइन पढ़ लो, जो थर्ड लाइन दिख रही है आपको की पॉइंट्स में ना, वो एक बार पढ़ लो। ठीक है,
purchasing power parity is a measure of price of specific goods in different countries and is used to compare the absolute purchasing power of country's currency. Right. तो ये समझने के लिए आपको दोनों countries के currencies को लेना पड़ेगा. जैसे $1 क्या है यार, 83 rupees है, but for a simplicity to understand this concept, हम $1 को मान के चलते हैं 80 rupees. ठीक है. So, यहाँ पे क्या बोला है? Is a measure of price of specific goods. ठीक है. So, वो 80 rupees में आप इंडिया में सेम गुड्स कितने खरीद सकते हो और वही $1 में आप यूएसए में कितने गुड्स खरीद सकते हो, ये चीज बताने का काम आपका परचेसिंग पावर पैरिटी करता है. चलो तो देखो, 80 रुपीज है इंडिया में, $1 है यूएसए में. हमें बॉर्बॉन बिस्किट खरीदना है तो 80 रुपीज में आप इंडिया में कितने बॉर्बॉन बिस्किट खरीद सकते हो अगर उसकी प्राइस 10 रुपीज की है तो इंडिया में? दैट इज 8 बॉर्बॉन बिस्किट आप खरीद सकते हो. बाहर के कंट्री में आप बॉर्बॉन बिस्किट कितना खरीद पा रहे हो? बॉर्बॉन बिस्किट बस आप एक ही खरीद पा रहे हो, क्योंकि वो बॉर्बॉन बिस्किट बाहर के कंट्री में उसका प्राइस है $1. तो $1 में आपको एक ही बॉर्बॉन बिस्किट दिया जा रहा है. तो यहां पे क्या हो रहा है, 80 रुपए में आप इंडिया में 8 खरीद रहे हो, वही 80 रुपए में आप यूएसए में एक ही बॉर्बॉन बिस्किट खरीद पा रहे हो. तो ये क्या बता रहा है कि यार जो इंडिया में जो परचेजिंग पावर है ना, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी जो स्ट्रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि आप उससे ज्यादा गुड्स खरीद पा रहे हो, तो परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी का, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी स्ट्रॉन्ग हुआ ना, ऑब्वियसली हुआ सर. चलो और क्या बता रहा है ये चीज, और क्या इंडिकेट करता है कि यूएसए में ना आप एक $1 से, दैट इज 80 रुपीज से, आप एक ही बिस्किट खरीद पा रहे हो. मतलब क्या, यूएसए का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू इंडिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि उतने 80 रुपए में आप एक ही चीज खरीद पा रहे हो यूएसए में. सो दैट्स व्हाई वी से दैट इंडिया हैज अ गुड परचेजिंग पावर व्हेन वी कंपेयर विद द अदर नेशंस, अदर डेवलप्ड नेशंस. एंड द सेकंड एक्सेप्ट और सेकंड डिडक्शन फ्रॉम दिस इज यूएसए हैज हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैन द इंडिया. ठीक है, सो आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इज एब्सोल्यूटली क्लियर. If you don't understand it, kindly let me know in the comments section. According to IMF, IMF ने क्या बोला यार? India ना third largest economy है. India will become the third largest economy before 2030. कैसे? Fourth कौन है और fifth कौन है? चलो. पहला कौन सा है यार? पहला है आपका, ये देखो. Largest economy की हम बात कर रहे हैं nominal terms में. ठीक है, दैट इज मार्केट एक्सचेंज रेट्स में. मार्केट एक्सचेंज रेट्स में सबसे बड़ा इकोनॉमी इज यूएसए, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज जापान, फोर्थ इज जर्मनी एंड फिफ्थ इज अस, दैट इज इंडिया. अगर हम परचेसिंग पावर में पैरिटी में बात कर रहे हैं, फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज यूएसए एंड थर्ड इज इंडिया. ठीक है, ये चीज आपने इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ी होगी. चलो, सो यहाँ पे क्या बोला है IMF ने, इंडिया जो है ना जापान को पीछे छोड़ देगा. कब तक? 2026 तक. और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा. कब तक? 2027 तक, इन केस ऑफ नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, मार्केट एक्सचेंज रेट्स क्या होता है, हम पढ़ेंगे, जस्ट होल्ड ऑन. ट्विन डेफिसिट और ट्विन बैलेंस शीट, ये बार बार आप देखते होंगे कि क्या होता है, बार बार ये नाम आता होगा, पता होना चाहिए क्या है. ट्विन डेफिसिट मतलब क्या है यार, इंडिया में ना डेफिसिट है. किस तरह का डेफिसिट है? फिस्कल डेफिसिट है इंडिया में और करंट अकाउंट डेफिसिट है. फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, अगर हम नॉर्मल टर्म्स में हम समझे तो, अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल रेवेन्यू, देन वी से दैट इट इज अ फिस्कल डेफिसिट. ठीक है, मैं सिंपलिसिटी के लिए बता रहा हूं कि नॉर्मल टर्म्स में आप कैसे उसको समझ सकते हो. फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये चारों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं. मैं एक बार कभी ना कभी इस पे शॉर्ट लेक्चर लेके आ जाऊंगा. अभी बस आप इतना समझिए, फिस्कल डेफिसिट
गवर्नमेंट के अगर टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टोटल रेवेन्यूज तो हम उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। क्या प्रॉब्लम है यार, आपके खर्चे ज्यादा है, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है उनके रेवेन्यू से, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बाहर के कंट्रीज से लोन लेना पड़ेगा या फिर बैंक से आरबीआई से उनको लोन लेना पड़ेगा, ठीक है, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। लोन हम ले रहे हैं तो उसको चुकाना भी तो पड़ेगा ना, उसको चुकाने के लिए हमारे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो फालतू में हमारा पैसा बाहर जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट्स के केस में, ठीक है। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट बहुत बुरी चीज है। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या, बात किया ना हमने करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर हम इंडिया से इंडिया से अगर फॉरेन पेमेंट्स ज्यादा भेज रहे हैं, मतलब क्या है फॉरेन पेमेंट्स हम कब ज्यादा भेजेंगे, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें, राइट। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हमारे कंट्री से बाहर के कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा जा रहा है एज कंपेयर टू इनवर्ड फॉरेन एक्सचेंज। क्यों, क्योंकि हम कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो करंट अकाउंट डेफिसिट हमें देखने के लिए मिलता है जब हम इंपोर्ट पेमेंट्स हमारे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट पेमेंट्स, ठीक है। अभी इससे क्या दिक्कत है, एक मेजर दिक्कत है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। आप इंपोर्ट पेमेंट ज्यादा कर रहे हो मतलब बाहर के कंट्री में आप फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा भेज रहे हो, ठीक है, तो जिसकी वजह से इंडिया में क्या हो जाएगा ना, सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज का कम हो जाएगा, बट फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड तो उतना का उतना ही रहेगा ना, तो इसलिए क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी है आपकी वो अप्रिशिएट हो जाएगी और जो हमारी इंडियन करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है, दैट इज अगेन अ बैड थिंग। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहता है कि उनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही रहे, वो एक पर्टिकुलर टारगेट में ही रहे। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, वहां पे बताया था कि करंट अकाउंट डेफिसिट ना हमारा बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है, आरबीआई की रिपोर्ट थी, ठीक है। वहां पे उन्होंने बोला करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा अभी के टाइम पे 1.1% ऑफ जीडीपी है, विच इज अ वेरी गुड नंबर, ठीक है, तो ये फिगर भी आपको याद रखना पड़ेगा। ट्विन बैलेंस शीट स्ट्रेस, बैलेंस शीट किस किस की बैलेंस शीट की हम बात कर रहे हैं, कंपनीज दैट इज कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट की हम बात कर रहे हैं और किसके, बैंक्स की बैलेंस शीट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोला है कि बैंक्स के बैलेंस शीट में स्ट्रेस है और कॉर्पोरेट के बैलेंस शीट में भी स्ट्रेस है, मतलब क्या यार, बैंक इतनी रेवेन्यू नहीं कमा रहे, बैंक का ना प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा नहीं है, ठीक है, उसको आप बोलोगे कि बैंक के बैलेंस शीट में स्ट्रेस है, बैंक ठीक से काम नहीं कर पा रही है और जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू अच्छा नहीं है और जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट अच्छा नहीं है, सो ये बैंक के बैलेंस शीट में स्ट्रेस है। कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट में स्ट्रेस, यार कॉर्पोरेट ने ना इतना लोन ले लिया हुआ है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कि वो अपने लोन को रीपे करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट स्ट्रेस। क्लियर है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, वो एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट इज जीडीपी वर्सेस जीएनपी, ठीक है, जीडीपी और जीएनपी मतलब क्या होता है आपको पता है, एक बार जस्ट आप सोच के देखिए, जस्ट टेक अ पॉज फॉर 30 seconds एंड लिसन टू इट एंड लिसन टू योर माइंड कि आपका माइंड क्या बोल रहा है कि जीडीपी और जीएनपी क्या होता है। So what is meant by GDP? GDP, total value of goods and services that are produced in an economy in a particular year. ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? यार इंडियन इकोनॉमी में ना जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसको आप GDP बोलोगे।
इंडिया के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसके वैल्यू को आप जीडीपी बोलोगे। जीएनपी इट इज द कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंस। ठीक है यार, इंडियन नेशनल्स इट इज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल्स। ठीक है, सो रेसिडेंट्स की जगह आप नेशनल्स याद रखिए, इट इज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल्स। ठीक है यार, रिलायंस के मुकेश अंबानी जी है, पहले आप जीडीपी समझ लो। रिलायंस के मुकेश अंबानी जी है, वो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, जिसका प्राइस है 1000 रुपीज। ठीक है, जिसका प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, सो टोटल वैल्यू कितनी हो गई ये गुड की, पेट्रोल की, दैट इज प्राइस इनटू इट्स प्रोडक्शन, कितना हो गया 2000 रुपीज। आईटीसी इंडिया में है, बस इंडिया में है। ठीक है, वो अपना आटा बना रही है। ठीक है, कितने का आटा बना रही है यार, 100 केजी आटा बना रही है, जिसका प्राइस है 10 रुपीज। तो वैल्यू कितनी हो गई, 100 × 10 दैट इज 1000 रुपीज। इंडिया में ही बन रही है ये सारी चीजें। तो इंडिया का जीडीपी कितना हो गया, जो जीडीपी हो गया हमारा 3000 रुपीज, बिकॉज 2000 + 1000 दैट इज 3000 रुपीज, ये जीडीपी है। बट ये जीएनपी नहीं रहेगा। जीएनपी क्या रहेगा, जो हमारे इंडियन नेशनल्स है वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कितनी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, उस चीज को हम जीएनपी बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, रिलायंस के मुकेश अंबानी जी है, इंडिया में वो कर रहे हैं, जैसे हमने बात किया 2000 रुपीज की वैल्यू एड कर रहे हैं। बाहर के कंट्री में भी ना वो क्या कर रहे, 100 रुपीज का, अगर हम रुपीज की टर्म्स में बात करें तो 100, यूएसए में मुकेश अंबानी जी का रिफाइनरी है, वहां पे भी वो क्या कर रहे, पेट्रोल प्रोड्यूस कर रहे। ठीक है, कितना पेट्रोल प्रोड्यूस कर रहे, 100 लीटर्स पेट्रोल प्रोड्यूस कर रहे। कितने रुपीज पे वो बेच रहे हैं वो पेट्रोल को, 30 रुपीज पे बेच रहे हैं। ठीक है, इंडिया में उन्होंने वैल्यू कितनी ऐड की है, 2000 रुपीज। बाहर कितनी ऐड हो रही है, 100 × 30 दैट इज 3000 रुपीज। तो जीएनपी कितना हो गया हमारा, 1000 और 2000 + 3000 रुपीज जो यूएसए में मिल रहे हैं अंबानी जी को, तो वो कितना हो गया, जीएनपी इज 5000 रुपीज। सो जीएनपी में क्या आएगा, बस जीएनपी में वही चीजें आएगी जो हमारे रेसिडेंट्स, जो हमारे नेशनल्स वैल्यू एड कर रहे हैं इन इंडिया और इन दी अदर कंट्री। ठीक है, आई होप क्लियर है कंसेप्ट। ठीक है, और एक के बारे में मैं बता ही देता हूं आपको। ठीक है, यस, अगर इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला। इलॉन मस्क कहाँ के नेशनल है यार, यूएसए के, वो नेशनल है, यूएसए के सिटीजन है। अगर वो इंडिया में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक उन्होंने टेस्ला की गाड़ी बनाई है, वो बेच रहे हैं वो 1000 रुपए में। सो जो 1000 रुपए का जो वो बेच रहे हैं ना इंडिया में, दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट इन जीडीपी, बट दैट विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन जीएनपी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलॉन मस्क बाहर के नेशनल्स है, वो यूएसए के नेशनल है, वो यूएसए के सिटीजन है। सो जीएनपी में हम इंडियन नेशनल्स की ही बात करते हैं। इंडियन नेशनल्स ने जो भी वैल्यू ऐड किया है इन द एंटायर वर्ल्ड, वो हम जीएनपी में कंसीडर करते हैं। आई होप क्रिस्टल क्लियर है। नहीं समझाओ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी मतलब क्या यार, नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या, पहले तो समझो जीडीपी। ठीक है, बेसिकली अगर आप जीडीपी देखोगे, इट इज नथिंग बट करंट ईयर प्राइसेस इनटू टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हमने देखा ना करंट ईयर प्राइसेस, फॉर एन एग्जाम्पल 10 रुपीज का आपका बॉर्बन बिस्किट है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है 100 इंडिया में। ठीक है, सो जीडीपी क्या रहेगा, 1000 रुपीज। दिस इज नथिंग बट द नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, करंट ईयर प्राइसेस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट ईयर प्राइसेस क्या है अभी बॉर्बन बिस्किट का, 10 रुपीज, प्रोडक्शन कितना हुआ है 100, सो नॉमिनल जीडीपी इज 1000 रुपीज। रियल जीडीपी क्या होगा, हम
रियल जीडीपी में ना बेस ईयर के प्राइसेस को कंसीडर करेंगे। बेस ईयर कौन सा बेस ईयर यार? सीपीआई का बेस ईयर, इन्फ्लेशन का बेस ईयर क्या है? 11-12, दैट इज 2011-12। बेस ईयर में बॉर्बॉन का प्राइस क्या था वो हमें पता होना चाहिए। बेस ईयर में अगर बॉर्बॉन बिस्किट का प्राइस था 5 रुपीज, तो हमें 5 रुपीज कंसिडर करना है वाइल कैलकुलेटिंग द रियल जीडीपी। ठीक है, तो बेस ईयर में बॉर्बॉन का प्राइस था 5 रुपीज। प्रोडक्शन कौन सा देखना है? करंट ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है हमारा? 100 बॉर्बॉन बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ है। तो उस केस में रियल जीडीपी क्या आ रहा है? 5, दैट वाज द बेस ईयर प्राइस, इनटू 100, दैट इज 500 रुपीज। नॉमिनल जीडीपी 1000 रुपीज है क्योंकि करंट ईयर प्राइस कैलकुलेट की जा रही है, करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। रियल जीडीपी 500 रुपीज है क्योंकि बेस ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो रियल जीडीपी ना हमें ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी जो है एक्चुअली कितनी ग्रो हुई है। क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपके प्राइजेस है उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा है, वो बता रहा है बस कि आपका जो प्रोडक्शन है पिछले साल के कंपैरिजन से, बेस ईयर के कंपैरिजन से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बेस ईयर में 11-12 में हमारे बॉर्बॉन बिस्किट बनते थे 100। अभी 2023 में अगर हमारे बॉर्बॉन बिस्किट बन रहे 1000, तो हम क्या बोल सक रहे हैं कि हाँ यार इकोनॉमी सीरियसली हमारी ग्रो हुई है? किस टर्म्स में ग्रो हुई है? रियल जीडीपी के टर्म्स में हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई है। तो रियल जीडीपी हमें क्लियर पिक्चर बताता है कि बेस ईयर के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है या नहीं बढ़ा हुआ है। तो इसलिए आरबीआई का आप जब भी कुछ उनकी मॉनेटरी पॉलिसी आता है, तब ये हमेशा देखना कि वो रियल पिक्चर पे बात कर रहे हैं। रियल पिक्चर मतलब रियल जीडीपी पे बात कर रहे हैं। वो हमें ये बताना चाहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पिछले, दैट इज बेस ईयर के कंपैरिजन से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। आई होप क्रिस्टल क्लियर है। तो अभी जो हमने पढ़ा रियल जीडीपी के बारे में, हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि रियल जीडीपी कितना होना चाहिए? रियल जीडीपी प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम 6.5% रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर में, और अगले फाइनेंशियल ईयर में भी वो 6.5% ही रहेगा। आई होप क्रिस्टल क्लियर है। चलो, इफ यू लाइक माय कंटेंट, इफ यू लाइक माय टीचिंग स्टाइल, इफ यू लाइक एनीथिंग अबाउट मी, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इवन इफ यू डिसलाइक, काइंडली पुट द डिसलाइक ऑप्शन मार्क ऑन योर स्क्रीन। आपका जो भी कमेंट है, आपके जो भी व्यूज है, दैट आर मच मोर वैल्यूएबल टू मी, क्योंकि रिसेंटली ही ये मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ऑन द ईव ऑफ लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन के दिन से ही मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना स्टार्ट किया था, और आपके सामने वो मैं वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूअसली लेके आ रहा हूँ लक्ष्मी पूजन के दिन से। तो आपको जो भी अच्छा लगा होगा, काइंडली लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पे, तो उसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन का पिंड कमेंट एक बार देख लेना। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है राहुल कोकुलवार। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको कंटिन्यूअसली अपडेट्स आपको आते रहेगी। ठीक है, और यही अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालते रहूंगा। आई एंड दैट इज द एंड ऑफ आवर टूडेज लेक्चर, बट बिफोर गोइंग हियर इज अ कोट फॉर यू, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। ठीक है, ड्रीम्स देखते रहना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट ड्रीम्स देखना आना चाहिए। अगर ड्रीम्स देखोगे ही नहीं तो साकार कैसे होंगे? बट ठीक है यार, ड्रीम्स तो देख लिया हमने, ड्रीम्स देख लिया, उसके पीछे मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। जब मेहनत करोगे तभी ड्रीम्स आपके हासिल हो जाएंगे, और ट्रस्ट मी हासिल होते हैं, एक दिन आपका भी टाइम आएगा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन टूडेज लेक्चर, एंड सो आई गेस वी शुड वाइंड अप आवर लेक्चर हियर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, एनी काइंड ऑफ कमेंट्स टू बी गिवन, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।